तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ऑफर है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म में, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, इसके 4 साल पूरे हुए हैं और 4 साल पूरा होने पर बहुत बड़ी छूट दी गई है। इनके कोर्सेज में 80% तक की छूट चल रही है और ये छूट केवल कुछ दिनों के लिए ही है। और यहाँ पर अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी छूट है 76% तक। ये देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑल 17th बीपीएससी बैच, 17वीं बीपीएससी के लिए जो भी बैच चल रहे हैं उनमें 76% तक की छूट दी गई है। और यहाँ पर कौन कौन से बैच हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। एनसीईआरटी स्मृति बैच है, प्रथम 2.0 बैच है 17वीं बीपीएससी के लिए, ऊर्जा बैच है 17वीं बीपीएससी के लिए और यशवी बैच है, सक्षम 3.0 बैच है, आक्रोश बैच चल रहा है, यूनिटी बैच चल रहा है और इनमें भी छूट मिल रही है। तो लिंक मैंने आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और एक बात बता दूं कि यहां पर अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को इन सभी बैचेस में 500 रुपये की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी प्रिपरेशन करने के लिए जो आवश्यक होती हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, PYQ एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन और अधिक जानकारी आप लोगों को इसके एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो लिंक पर जाकर के आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली जो सूचना है वो बेरोजगारी को लेकर के है। भाजपा का कोई नेता बेरोजगारी व महंगाई की बात नहीं करता है, खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा संविधान पर हमला करने वालों को हराना ही होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी NDA प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री हो कोई भी हो रोजगार को लेकर के कोई बात नहीं करता है और उससे केवल खड़गे ही नहीं जो देश के युवा है वो भी काफी नाराज है। इसके बाद में कुछ भर्तियों के विज्ञापन को देख लेते हैं। समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है जिनकी लास्ट डेट बहुत जल्द है। अगर आप लोगों ने आवेदन न किया हो और योग्यता आप लोग रखते हो तो आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी से ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के 318 पदों पर भर्ती आई है, इसकी लास्ट डेट 29 मई ही है। 21 से लेकर के 37 साल तक के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर लिखा, इस भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवारों ने हॉर्टिकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर साइंस आदि में डिग्री हासिल की हो तो जिनके पास ये डिग्री हो तो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। एयरफोर्स से भी वैकेंसी आई है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 304 पदों पर बहाली है। नीचे यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है, 50% अंकों के साथ में 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए, 60% अंकों के साथ में BE/BTECH होना चाहिए। ये जो योग्यता है ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए है और ग्राउंड ड्यूटी के लिए अलग से योग्यता है। 12वीं साइंस स्ट्रीम में मैथ फिजिक्स के साथ में 50% अंकों के साथ पास, 60% अंकों के साथ में BE या BTECH हो तो भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी में ही एक नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए है यहाँ पर पोस्ट और उसके लिए लिखा है 12वीं साइंस स्ट्रीम से 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन 60% अंक होने चाहिए। आयु सीमा 20 से 24 साल यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाइंग ब्रांच के लिए और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 साल की आयु होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है। BSF से भी वैकेंसी आई है ग्रुप बी और ग्रुप सी की 141 पदों पर, इसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पर योग्यता वगैरह लिखी हुई है और इसमें कौन कौन से पद हैं जैसे पैरामेडिकल स्टाफ, SMT वर्कशॉप, वेटरनरी स्टाफ, लाइब्रेरियन में विभिन्न ग्रुप ए बी और सी के पद हैं। ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाइए। 21 से 30 के बीच के अगर आए हुए तो आप आवेदन कर सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट से 1318 पदों पर वैकेंसी आई है, लास्ट डेट जो इसकी 15 जून ही है। पद कौन कौन से हैं, स्टेनोग्राफर, सेक्शन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं। और यहाँ पर नीचे वेबसाइट भी लिखी जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये योग्यता लिखी हुई है। 18 से 35 के जो युवा वो आवेदन कर सकते हैं। बिहार से एक और बड़ी भर्ती है, लिखा बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने IT असिस्टेंट के 6570 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इसके लिए भी आप लोग, लास्ट डेट इसकी 31 मई है यहाँ पर। और पदों के बारे में अलग अलग लिखा हुआ है कि 4270 पुरुष के पद हैं और 2300 पद महिला के लिए हैं और इसका जो आवेदन है वो निःशुल्क है, ये देख लीजिए। और इसकी जो योग्यता है वो BCom, MCom या CA इंटर पास होना जरूरी है, वही विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के CM ने फिर से दोहराया है अगले साल तक 1,00,000 नौकरी देने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अग्निपथ परीक्षा में अभ्यर्थियों का होगा मनोवैज्ञानिक टेस्ट, लिखा है कि भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी जोड़ा जाएगा। पहली बार शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के तुरंत बाद अभ्यर्थियों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होगा। सेना भर्ती कार्यालय के डायरेक्टर कर्नल संतोष कुमार का कहना है कि मनोवैज्ञानिक टेस्ट शारीरिक प्रवीणता के परीक्षा के तुरंत बाद ही होगा और यह पहली बार होने जा रहा है। अध्ययन सामग्री वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है, लिखित दाखिले के लिए 21905 पंजीकरण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024-25 में परा स्नातक में दाखिले के लिए आवेदन शुरू है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 जून है और पीजी के 60 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रविवार की शाम तक 21905 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है। अगली सूचना आईपीएल की है, लिखा है केकेआर तीसरी बार चैंपियन, 8 विकेट से जीता कोलकाता, 113 रन पर ही ढेर हो गए सनराइजर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा करके तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। केकेआर ने 2012 में और 2014 में भी खिताब जीता था। लिखा है कि चेन्नई के मैदान पर कोलकाता के गेंदबाजों की ऐसी आंधी चली कि हैदराबाद की टीम ताश के पत्तों की तरह उखड़ गई और पूरी की पूरी जो टीम है वो 18.3 ओवर में 113 रन ही बना पाई और यह लीग इतिहास के फाइनल का सबसे छोटा स्कोर है। हैदराबाद ने दूसरा सबसे कम स्कोर भी बनाया। नीचे लिखा जवाब में कोलकाता ने 10.3 ओवर में ही 114 रन बनाकर के जीत हासिल कर ली। वेंकटेश अय्यर ने महज 26 गेंद पर नाबाद 52 रन की पारी खेली। विजय रन भी उन्हीं के बल्ले से निकला और इसमें गौतम गंभीर की भी प्रशंसा हो रही है और लिखा है कि शाहरुख खान की टीम के लिए गौतम गंभीर की मौजूदगी सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। 2012-14 में जब कोलकाता चैंपियन बनी थी तब गंभीर ही कप्तान थे और इस बार वह इस टीम के मेंटर थे। जेई एसएससी जेई के एग्जाम को लेकर के भी सूचना है, लिखा है यूपी बिहार के 16 जिलों में होगी जेई भर्ती परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी तेज कर दी है। 5 जून से शुरू हो रही जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की भर्ती परीक्षा के लिए इस सप्ताह केंद्रों को तय करके प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। एसएससी के मध्य क्षेत्र के अंतर्गत यूपी बिहार के 16 जिलों में ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी। 13-20 जून तक होगी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 13-20 जून तक की जो तिथि है वो घोषित की गई है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो आवेदन की लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 28 मई तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं और विलंब शुल्क के साथ में 29 मई से लेकर के 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और अगली सूचना है कि विद्यार्थी पूछते रहते हैं, विद्यार्थियों को चिंता भी है कि ये आचार संहिता कब समाप्त होगी। सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों का होता है, आचार संहिता के समय भर्तियों की जो प्रक्रियाएँ हैं वो बिल्कुल से रोक दी जाती हैं। काफ़ी दिन से देखा होगा आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी से कोई नोटिस नहीं जारी हो रही है, शिक्षा सेवा चयन आयोग में कुछ नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी यही हाल है, भले ही वो उसमें छूट दी जाती हो। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक ये आपकी वोटिंग लास्ट डेट 1 जून को है, 4 जून को आपकी मतगणना और परिणाम जारी होगा, तो 4 जून तक आपकी आचार संहिता लगी रहेगी और 4 जून के बाद से जो आचार संहिता वो समाप्त हो जाएगी और उसके बाद में आपकी जो भर्ती की प्रक्रियाएँ हैं जो विभिन्न आयोग हैं वो काम करना शुरू करेंगे। राजस्थान सरकार ने एक फरमान जारी किया है और ये इसमें ये कहा है कि ऐसे कर्मचारी जो अकर्मण्य हैं, काम नहीं करते हैं और जो संदेहास्पद हैं, सत्यनिष्ठा नहीं है, अक्षमता है, अकार्यकुशलता है और असंतोषजनक कार्य करते हैं और ऐसे कर्मचारियों की छटनी की जाएगी। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ऐसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो इनकी छटनी की जाएगी, उसको लेकर के ये पत्र जारी किया गया है और ये पत्र में डेट 23 मई की पड़ी हुई है, ये देखिए 23 मई की। और यहाँ पर लिखा है ऐसे प्रशासनिक विभागों और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रम में सभी राज्य सेवा अधिकारियों कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर जनहितार्थ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें, साथ ही सीमा अनुसार बिंदुवार अद्यतन सूचना माहवार विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। देखिए ऐसे सब तो नहीं लेकिन काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं सरकारी विभागों में जो वास्तव में काम नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं, एक दबाव होना चाहिए और जन सेवक होते हैं कर्मचारी लेकिन वो जनता के लिए उस तरीके से सभी कर्मचारी काम नहीं करते, कुछ कर्मचारी तो काम करते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी वजह से जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप लोग अपनी राय रख सकते हैं इस फरमान को लेकर के, चूँकि हो सकता है कि आगे चल करके ये अन्य राज्यों में भी देखने को मिले। यूपी में कब होता है कब नहीं होता है लेकिन फिर हाल राजस्थान में तो हड़कंप मचा हुआ कर्मचारियों में। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।